गाइज अब वक्त आ चुका है एक्सरसाइज नंबर 3 को देने का। मैं कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर आप लोगों को एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और एज यूजुअल इसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट होने वाला है। हमारी एक्सरसाइजेज इस कोर्स के अंदर बहुत एक्साइटमेंट भरी हैं और आगे भी रहेंगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अब टाइम आ चुका है एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने का और एक्सरसाइज 3 के अंदर हमारे पास है एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉब्लम। lm.innerHTML जो होता है वो यूज़ होता है किसी भी डिव के अंदर HTML को इंसर्ट करने के लिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं कि यार कोट्स में नहीं कोट विद एरी खोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो मैं इस बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इस वाले बॉक्स के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाले बॉक्स के अंदर ये $0 से अभी मुझे मिल रहा है, मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा, कहूँगा भाई $0.innerHTML और लिखूँगा इज इक्वल टू हे आई एम हैरी, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं इसकी HTML को चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोल्ड टैग लगाना चाहूँ मान लो, ठीक है, कुछ इस तरह से HTML का जो बी टैग होता है वो लगाना चाहूँ अगर, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लग गया, तो मैं HTML स्ट्रिंग के तौर पर डालकर यहाँ पर HTML सेट कर सकता हूँ। आपको क्या करना है अब ये देख लो, आपको यहाँ पर इस मेथड के बारे में सर्च तो करना ही नहीं है कि मैंने भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आपको एक वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट के नाम से डरना मत, कोई इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। क्रिएट अ वेबसाइट विद अ डेव टैग कंटेनिंग अ रैंडम जोक गिवन एन एरे ऑफ रैंडम जोक्स, सॉरी गिवन एन एरे ऑफ जोक्स, ठीक है। तो जोक्स तो आपको नेट से भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ यार कैसे करना है, ठीक है, बहुत आसान बता देता हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग कर नहीं रहे इसको प्रॉब्लम को, ठीक है, करो यार करो करो करो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जोक्स हैं, अच्छे अच्छे जोक्स लेके आना, उल्टे सीधे जोक्स नहीं होने चाहिए, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपके पास 100 जोक्स हैं, ठीक है, आपने एक एरे बना लिया, आप 100 जोक्स इसका एरे में कैसे लेकर आऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेकर आओगे। अगर आपको कोई वेबसाइट मिल गई जिससे हम लोग कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये मुझे मिल गया, ठीक है, मान लो कि मैंने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ और डेली लाइफ में भी बहुत काम आएगी, इतना ही रखता हूँ मैं बस, ठीक है। ये अगर आप पूरी भी करना चाहते हो वेबसाइट कॉपी तो कर लो, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, ऐसे मान लो ये मेरे पास जोक्स आ गए, ठीक है। मैं खोलूँगा VS कोड, ठीक है, और VS कोड के अंदर, या फिर आप ये काम विद इन रैपल भी कर सकते हो, बट मान लो मैं इसको विद इन VS कोड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये एडवर्टीजमेंट हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, 10 बार है ये, चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, बैकस्पेस करूँगा और हाँ अब ठीक है, एक और बैकस्पेस करूँगा, एक इस तरह से करूँगा, ठीक है। आई होप कि ये सब जगह से सही हो गया, हाँ ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है कि एक एरे बनाना है, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो आ रहा है ना, ये जो न्यू लाइन है ना, राइट क्लिक, जैसे मैं बताता हूँ कैसे करोगे, ऐसे करोगे, राइट क्लिक, चेंज ऑल अकरेंसेस, ठीक है, बैकस्पेस, डबल कोट, कॉमा, स्पेस, एंटर, ठीक है, और एक डबल कोट ये आ गया, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। बेसिकली कहने का मतलब मैं बताता हूँ क्या है मेरा, कहने का मतलब बस मेरा ये है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो ये चीज़ है चेंज ऑल अकरेंसेस, हाँ आप ठीक है शायद, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सारे जोक्स के स्टार्टिंग में आ गया, डबल कोट, ठीक है। उप्स, मुझे सबसे पहले एंटर मारना होगा, एक और एंटर मारना होगा, अब मुझे डबल कोट मारना होगा, अब मुझे एंड दबाना होगा, अब मुझे नीचे आना होगा, एंड दबाना होगा, डबल कोट लगाना होगा, ठीक है। तो सब चीज़ को मैंने डबल कोट में इनक्लोज कर दिया एंड ऑब्वियसली मुझे सारे डबल कोट्स को पहले रिप्लेस कर देना था, जो कि शायद कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है। तो मैं एक काम करूँगा यार, मैं बैकस्पेस करके डबल कोट को बैकटिक से रिप्लेस करूँगा, होम पे जाऊँगा, डिलीट बैकटिक, हाँ आप ठीक है, अब नीचे आऊँगा, एंड दबाऊँगा, एक कॉमा लगाऊँगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, बस इतना ही करूँगा, ठीक है। और अब क्या करूँगा, ये मेरा एक जावास्क्रिप्ट एरे बन जाएगा, अभी देखना कैसे। एक जोक को मैं छोड़ देता हूँ, उप्स, यहाँ मैं बैकस्पेस करूँगा और इस तरह से मैंने एक एरे बना लिया, मतलब देख रहे हो मैंने क्या किया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करी है बेसिकली, कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है। अब इसमें भी यार कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है अगर, तो हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर मान लो पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, तो ये कह रहा है
एक्सक्लेमेशन मार्क एक अनएक्सपेक्टेड टोकन है। कहाँ पर आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखना होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क तो यार इसके अंदर आ रहा है, बैकटिक के, तब क्या दिक्कत है इसको, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करता हूँ, बैकस्पेस कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या ये एक वैलिड एरे है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर काइंड, मैं बस सोच रहा हूँ कि यार दिक्कत क्या आ रही है। हमने यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग्स बनाए और स्ट्रिंग्स का एक एरे बनाया है सिंपली। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एफ काइंड करूँगा, एक्चुअली बहुत बड़ा डेटा सेट है यार, बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपको समझना होगा। अब देखो यहाँ पर है देखो काइंड, और इसको मुझे क्या करना होगा, ऐसे करना होगा। देखो ये मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, लेकिन ये जो है रैंडमली यहाँ पर आ गया। तो आपको यार थोड़ी बहुत तो जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अब स्लोपोक कहाँ पर है, स्लोपोक देखो ये रह गया है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी हटा देंगे और ऑब्वियसली इसको कट करके यहाँ डालेंगे अंदर, ठीक है, ताकि ये एक जोक के तौर पर दिखे। फिर से मैं एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड और इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, और ये मुझे बता देगा बेसिकली कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इसको भी मैं हटाऊंगा, और अभी मुझे यहाँ पर सिंटैक्स अलर्टिंग मिल रही है तो थोड़ा सा ईजी हो जा रहा है मेरे लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर से भी मैं इसको हटाऊँगा, तो मतलब यू गॉट द पॉइंट यार, ठीक है। आई होप कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है यार, मैं उनको करके दिखाऊंगा, और मैं करके नहीं दिखाऊंगा तो कमेंट आएंगे कि अरे करा ही नहीं, आप खुद तो कर नहीं पाए। तो यार देखो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है इसमें, ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत गलती करी होगी ज़रूर से, ठीक है। बट मैं बस आपको बताना चाहता था कि कुछ नहीं तो कुछ जोक्स तो आप ले ही सकते हो यार, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिए हैं अभी, ठीक है। अभी आई होप कि देखो यहाँ पर दिक्कत है, और कहीं दिक्कत है क्या, यहाँ पर दिक्कत है और यहाँ पर दिक्कत है, और क्योंकि बहुत सारे जोक्स हैं यार, मतलब आप समझ लो कितना डेटा स्क्रैप कर लिया हमने इस साइट से, आप देख रहे हो यहाँ पर। और अभी मैं एंटर मारूँगा तो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हिज, ओके, यहाँ पर अभी भी है बहुत कुछ जो कि मुझे फिक्स करना है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करके मैं बेसिकली क्या करूँगा ना, यहीं पर मैं जावास्क्रिप्ट जो है जेसन नहीं जावास्क्रिप्ट, मुझे यहीं पर सिंटैक्स अलर्टिंग मिल जाएगी यार, मुझे यहीं पर पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर वाइट वाइट से आया था कुछ, देखो मुझे यहीं पर दिक्कत पता चल जाएगी मेरी कि यहाँ पर है दिक्कत कुछ। तो ये काम मैं पहले कर लेता अगर तो शायद मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि यार बहुत चीज़ें की जा सकती हैं। देखो ये एरे बन गया, ठीक है, तो क्या करना है अब आपको, ये एरे एक बार बन गया जोक्स का आपके पास, एक रैंडम नंबर जनरेट करो फ्रॉम 0 टू एरे लेंथ माइनस 1, जो भी रैंडम नंबर आता है एक रैंडम जोक दिखा दो, ठीक है। अब देखो ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, वरना स्पॉइल हो जाएगा। और अच्छी बनाना वेबसाइट थोड़ी, कि डबल कोट्स में आए जोक सेंटर में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर देना, ऐसा नहीं कि मतलब समझ लो अगली साहब का वेबसाइट दिख रही है, वो नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आप लोग बनाना वेबसाइट तब मज़ा भी आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पता चल गया। मैं क्या करूँगा कि इस रैपल के अंदर टाइप कर दूंगा आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो, ठीक है, तो आप इस रैपल को जैसे ही खोल के देखोगे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेगी, तो मैं इसको टाइप कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जावास्क्रिप्ट की तो कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।